नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल नोमाड भाई में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील्ड से जुड़े लोगों से मिलवाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ ट्रेनिंग ऑफिसर श्री दीपक चंद्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे YouTube चैनल नोमाड भाई में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, माने आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। ओके, हम लोगों को पहला तो गार्ड्स का डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। गार्ड्स के मेनली हमारा काम ही वही है कि क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करें, राइट। जहाँ पर भी जाएं, यदि मतलब क्लाइंट जो भी कहे उसके रिक्वायरमेंट हमको गार्ड को तैयार करना होता है। यदि गार्ड मतलब क्लाइंट ने जो जो चीज़ें हमको बताई हैं उस चीज़ में उसको ग्राउंड पर फॉलो करना होता है। मेन काम हमारा यही है कि हम किस तरह से उनको फॉलो करें और प्लस क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंटें हैं उस रिक्वायरमेंटों के अकॉर्डिंग पहले हमको समझना होता है। समझने के बाद क्लाइंट से समझकर और गार्ड को बताना होता है कि आप ग्राउंड में काम करोगे तो किस तरह करेंगे, ये मेनली हमारा काम है। आपका ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आपको समझना है और उसके अनुसार गार्ड को ढालना है उस रोल के लिए, राइट। तो इस प्रक्रिया को करने में कई तरह की आपको समस्याएं भी आती होंगी, तो कुछ ऐसे समस्याओं का जिक्र कीजिए कि क्लाइंट ने बोला कुछ ऐसा करने की, आप अपने गार्ड को इस तरह के लिए तैयार करो और आप उस गार्ड को उस प्रक्रिया में लगाएं, लेकिन प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ मिस हैपनिंग लगा हो या कुछ डिफिकल्टी फील हुई हो तो उसके बारे में बताएं। एक्चुअल में डिफिकल्ट ये होता है कि हम जब साइट पर गार्ड्स को उस चीज़ के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे उसमें आते हैं, लेकिन बट हम जो जिस प्रकार से उसको क्वालिटी में या इंक्रीज में उसको ट्रेंड करते हैं उस फॉलो से तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बट ऐसा है कि गार्ड्स कई बार मिस बिहेवियर, मिस फॉलोअर, मतलब उसके साथ कई जगह हो जाती है, वो प्रॉब्लमें होती हैं जिससे जो है कि क्लाइंट भी उसमें डाउट में हो जाता है कि यार आपने इतनी बार ट्रेनिंग दिया लेकिन गार्ड्स उस फॉलो को नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं कर रहा है। तो इसी तरह डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट है, तो ऐसा हम लोगों को फिर बार बार उस पर लाना पड़ता है, बार बार उसको करना पड़ता है, उसको गार्ड्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। देने के बाद फिर बाद में वो समझ जाता है कि हाँ हमारा काम क्या है और हमारे जो साहब हमारे पीछे लगे हुए हैं ये किसी न किसी इंटेंशन से ही ये बता रहे हैं कि इस तरह से हमें हमारा जो सुधार है हमको उसको करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि ट्रेनिंग ऑफिसर होता क्या है और ये आप बनते कैसे हैं, तो आप एक बार ट्रेनिंग ऑफिसर के बारे में बताएंगे, ट्रेनिंग ऑफिसर का क्या काम होता है। वैसे तो रोल हमने बता दिया है लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर का मेन काम क्या होता है और बनते कैसे हैं, ऐसा ये थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे। ओके, मेनली मैं भी एक्चुअल में पहले मैंने भी गार्ड में ज्वाइन किया। अच्छा, दैट मतलब देखा कि इन फ्यूचर किस तरह से मैं हैंडल करूं, उसके बाद मैं सुपरवाइजर बना और सुपरवाइजर बनने के बाद फिर मैं ASO बना, ASO बनने के बाद मैं CSO बना, CSO बनने के बाद मैं जब मेरा फिर आगे देखा कि एज ए ट्रेनिंग अफसर में सिलेक्शन हुआ, मैंने गढ़वा में ट्रेनिंग भी किया और TOT बैच से मैं गढ़वा में ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं GTO SI में वहाँ पर जो था GTO के उसमें, उसके बाद उन लोगों ने मेरे को एक ट्रेनिंग अफसर का ये दिया और उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि गार्ड्स को किस तरह से हैंडल करना है और मेनली फोकस हमारा क्वालिटी से है, क्वालिटी किस तरह से मेंटेन करना है ये हमारा मेन फोकस है, और एज ए क्लाइंट की रिक्वायर्ड है किस तरह पूरी करी जाए, क्या है क्लाइंट क्या कहना चाहता है, वो सारे डिसीजन हमारे रोल में रहते हैं। प्लस हमारे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की आपने, उस पर मेनली फोकस क्वालिटी, मैंने मेंटेन बता दिया कि क्वालिटी का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, और प्लस साइट पर गार्ड क्या कर रहा है और क्या क्या चीज़ें सोच रहा है और उसके बारे से हमको पहले से उससे पहले से एडवांस उसको एक्टिविटी से मतलब उसे पहले हमें एडवांस चलना प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, प्रोएक्टिव रहना पड़ता है कि भाई वो क्या कहेगा और क्लाइंट क्या कहेगा, इन दोनों चीज़ों में हमको समाधान करके क्लाइंट को सॉरी गार्ड को जो है प्रॉपर ट्रेंड करना पड़ता है। ट्रेंड करने के बाद में वो जो है आगे काम करें, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। हाँ,
जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने सबसे पहले गार्ड में ज्वाइन किया था, फिर इनकी प्रमोशन हुई, गार्ड से ये सुपरवाइजर बने, फिर सुपरवाइजर से प्रमोशन हो के ASO, SO, CSO, अब फिर इनकी जो है ट्रेनिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हुई, फिर ट्रेनिंग करी, तब जाकर के इस पोस्ट में ये अभी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि गार्ड आज के डेट में ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पे काम कर रहा है। इन्होंने 4-5 पोस्ट का प्रमोशन पाया है, गार्ड से सुपरवाइजर बने, ASO बने, यानी कि जो भी गार्ड हमारे देख रहे हैं तो उनके मन में भी इनके जैसा लालसा होना चाहिए कि आज आप गार्ड हैं, आप ऐसा ना रहे कि जीवन भर ही गार्ड बने रहें, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तत्पर रखना है, मेहनत करना है, जुनून से काम करना है, ताकि आज आप गार्ड हैं, कल के डेट में सुपरवाइजर बने, अगले आने वाले दिन में ASO बने, ट्रेनिंग ऑफिसर बने, ब्रांच हेड बने, आगे बढ़ते जाएं। सर, बहुत सारे नए लोग हमारे डिमोटिवेट रहते हैं कि SIS का कल्चर थोड़ा उनको पसंद नहीं आता है, या सैलरी प्रॉब्लम होता है, या वर्क प्लेस का प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें आप कुछ मोटिवेट कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो कई बार जैसे ट्रेनिंग में ब्रीफिंग रहता है, मैं अपने बारे में खुद ही उनको हैंडल करता हूँ। मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड था आपके, मतलब एक दिन मैं भी यहीं पर खड़ा था, और जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ। तो मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि लेकिन आप अपने को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करेंगे और किस तरह से अपना स्किल वो करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो उसी प्रकार से आगे आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि SIS में आपको प्रमोशन नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि आप 10 साल से गेट ही खोल रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि 10 साल से आप गेट नहीं खोलो, आप अब इस तरह से हमारे जो गार्ड हैं, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे जो वर्ड निकाला आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कई लोग नहीं करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मेन चीज भागते हैं उससे, हाँ उससे दूर भागते हैं कि यार मेरे पर जिम्मेदारी आ गई, सोचते हैं कि जिम्मेदारी क्या क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा सभी लोगों से, जिम्मेदारी को लो और आगे बढ़ो, और जरूर आपको सफलता मिलेगी। राइट, सबसे बड़ी चीज सर ने यहाँ पे बताया कि जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपको, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बनेंगे, तब तक आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमारे YouTube चैनल में हमारे दर्शकों के बीच में दिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये सेशन देख करके काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।